Assalamualaikum warahmatullah and welcome back to my channel Best Medical channel. दोस्तों उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों हमने कोरोसी पाइजनिंग का एक सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किया था जिसमें हमने सबसे पहले मिनरल एसिड्स को पढ़ा फिर हमने आर्गेनिक एसिड्स को पढ़ा और फिर हमने कॉस्टिक अल्कलीज़ या स्ट्रांग अल्कलीज़ के बारे में पढ़ा बीच में वेजिटेबल एसिड पॉइंस हमसे रह गया था तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे अच्छा वेजिटेबल एसिड पाइजन पहले पहले सवाल पैदा होता है कि इसको वेजिटेबल एसिड्स क्यों कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है नेचुरल सोर्सेज में ज़्यादा पाया जाता है तो इस वो जैसे ये वेजिटेबल एसिड पाइजन इसको कहते हैं वेजिटेबल एसिड पाइजनस के एग्ज़ाम्पल किया गया है इसके एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड ये इसको एच बोलते हैं और साइनाइड्स ये दो वेजिटेबल एसिड पाइजनस के एग्ज़ाम्पल हैं अब हाइड्रोसायनिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड में क्या फ़र्क है हाइड्रोसायनिक एसिड को हम प्रोसिक एसिड या साइनोजिन भी बोलते हैं प्रोसिक एसिड या साइनोजिन ये हाइड्रोसायनिक एसिड का नाम है हाइड्रोसायनिक एसिड और हाइड्रोज हाइड्रोजन साइनाइड में क्या फ़र्क है इसमें फ़र्क ये है कि अगर हम इन हाइड्रस हाइड्रोजन साइनाइड को ले लें और उसको टू परसेंट वाटर में हल करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम हाइड्रोसायनिक एसिड कहते हैं और अगर हम इनहाइड्रस हाइड्रोसायनिक एसिड को ले लें और उसको फोर परसेंट वाटर में हल करें तो जो सॉल्यूशन हमें हमारे पास बनेगा उसको हम शील्स एसिड कहते हैं तो शिल्स एसिड फोर परसेंट वाटर में जब हम हाइड्रोजन साइनाइड को हल करते हैं उसको कहते हैं और हाइड्रोसायनिक एसिड जब हम टू परसेंट वाटर में इनहाइड्रस सी या हाइड्रोजन साइनाइड को हल करते हैं उसको हम हाइड्रोसायनिक एसिड कहते हैं शील्स एसिड जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसिड है ये हमारे पास प्रैक्टिकल इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है ख़ासकर मवेशी के जो प्रैक्टिस यानी मुख्तलि बीमारियाँ वगैरह है उसमें वेटरनरी प्रैक्टिस में हमारे पास शील्स एसिड इस्तेमाल होता है दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह पहचानेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है हम किस तरह इसको अपने प्रॉपर्टी से पहचानेंगे वेजिटेबल एसिड पाइजन खासकर हाइड्रोसाइनिक हाइड्रोजन साइनाइड को तो ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड जो है ना ये कलरलेस होता है इसका कोई कलर नहीं होता और इसके अलावा इसका एक ख़ास करेक्ट्रिस्टिक टेस्ट होता है उसका एक ख़ास होता है और अपने जायके की बुनियाद पर आप उसको पहचान सकते हैं और उसका जो जायका होता है वो कड़वे बादाम की तरह होता है यानी बीटर आलमंड की तरह उसका जायका होता है तो ये कैरेक्ट्रिस्टिक पॉइंट हो गया इसकी वजह से आप उसको पहचान सकते हैं दूसरा यह है कि अगर आप सोडियम और पोटाशियम के साइनाइड्स को देख ले तो बजात हो हाइड्रोजन साइनाइड कलरलेस है कलर ले लेकिन सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड को अगर आप देख लें तो वो वाइट पाउडर की सूरत में होते हैं तो उसका वाइट पाउडर की सूरत में वो होते हैं हाइड्रोजन है। है साइनाइड और सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड दूसरा सवाल पैदा यह पैदा होता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास वेजिटेबल एसिड्स इस्तेमाल होते हैं तो मशहूर इस्तेमाल जो है ना वो है हमारे पास सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ़ी में इस्तेमाल होता है यानी कैमरा के थ्रू जो हम डिफरेंट पिक्चर कैच करते हैं तो फोटोग्राफी में जो है ना वहाँ पर हमारे पास साइनाइड इस्तेमाल होता है इसके अलावा हमारे पास मेटलर्जी जो डिफरेंट मेटल के साथ रिलेटेड प्रोसेस है मेटल डिफरेंट इंडस्ट्री में जो मेटल पर प्रोसेस किए जाते हैं उसमें मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ओर से जो रा फार्म होता है उससे हम प्योर फार्म में मेटल को हासिल करते हैं उसको हम मेटलर्जी कहते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है इसके अलावा हमारे पास ये एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है डिफरेंट रिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी डिफरेंट प्लांट पर जो पेस्ट होते हैं उसको कल किल करने के लिए इस्तेमाल होता है इसके अलावा इसका जो मेन यूज़ है वो है फोमोगश फ्यूमिगेशन ऑफ शिप्स फ्यूमिगेशन ऑफ शिप्स इसका क्या मतलब है ये बेसिकली हमारे पास जब शिप्स जो होते हैं ना जो समंदर में हम जिसके तुरंत सफ़र करते हैं तो शिप्स में हमारे पास वहाँ पर पेस्ट को किल करने के लिए इस तरह किया जाता है कि हाइड्रोजन सैनिक एसिड का जो गैस होता है ना हाइड्रोजन साइनाइड का हाइड्रोजन साइनाइड गैस को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो हाइड्रोजन साइनाइड पेस्टिसाइड इफेक्ट रखता है पेस्ट्स को यानी जो वहाँ पर पेस्ट्स मौजूद होते हैं उनको मार देता है तो ये भी एक इम्पॉटेंट यूज़ है एसिड का ये मख्तलफ इस्तेमाल हो गए इसके अलावा हमारे पास ये ट्रेनिंग जो चम वग़ैरह रंग रंग वगैरह देते हैं वहाँ पर उसके इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है तो मुख्तलिफ और भी इस्तेमाल है साइनाइड के या और हाइड्रोजन साइनाइड के फिर हम आते हैं कि इसके सोर्स क्या क्या है यानी किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है तो उसमें तो हमने एक तो नेचुरल सोर्सज़ है नेचुरल सोर्सज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बादाम आलमंड खासकर जो बीटर आलमंड है यानी जो कड़वा बादाम है उसमें बहुत ज़्यादा होता है इसके अलावा एप्रिकॉट खुबानी एप्पल यू सेब हो गया चेरी प्लम और खासकर आयल सीड्स और लोबिया वगैरह में ये जो है ना एक ख़ास फार्म में होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोसाइड एमगडेलिन ग्लूकोसाइड एमगडेलिन ये हाइड्रोजन साइना हाइड्रोसाइनिक एसिड का एक ख़ास फार्म होता है जिस इस फार्म में ये आयल सीड्स यानी जो हमारे पास डिफरेंट सीड से जो आयल हासिल होते हैं वहाँ पर जो और इसके अलावा जो बीन्स मुख्तलफ लोबिया वगैरह है वहाँ पर भी ये हमारे पास ग्लूकोसाइड एमगडिलिन की शक्ल में होता है और इसको एक ख़ास एंजाइम है जिसको कहते हैं एमलसिन तो एमलसिन जो है ना इसको डाइजेस्ट करता है इसके अलावा ये जब स्टमक या एचल के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर भी ये फिर डिजॉल्व होता है उस वहाँ पर रिएक्शन करता है तो फिर फ्री एसिड रिलीज हो जाता है दूसरा सी एन गेस्टों तो मैंने आपको बता लिया कि ये फ्यूमेशन ऑफ शिप्स यानी डिफरेंट शिप्स में जो पेस्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होता है और आखिर जो इंपॉर्टेंट वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हम लेबार्डरी में इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं किन मकासद के लिए या तो फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं या मेटालर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये मुख्तफ़ मकासद होते हैं वेजिटेबल एसिड पाइजन के इस्तेमाल के तो इसके बाद हम इसके एक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह एक्शन करता है